Hey guys, welcome back. You're watching Tech and Fitness. I am Utkarsh and we are back with another video. Guys, ye video bahut hi interesting hone wala hai. Jaise ki aapne title mein dekh hi liya hoga, this video is all about how you can host your own web server from your home using a Raspberry Pi. जी हाँ गाइज, अगर आप अपना खुद का वेब सर्वर होस्ट करना चाहते हैं अपने घर से, तो आप वो बहुत इजीली कर सकते हैं यूजिंग अ रैसबेरी पाई. यू कैन यूज दैट सर्वर टू लेट्स से होस्ट योर ओन वेबसाइट फ्रॉम योर होम और लेट्स एनी अदर वेब एप्लीकेशन. इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन एंड अ रैसबेरी पाई. सो फॉर दिस ट्यूटोरियल करंटली मेरे पास है रैसबेरी पाई 3B+. अगर आपके पास कोई और रेसबेरी पाई बोर्ड अवेलेबल है, उस पर भी जो स्टेप्स में ट्यूटोरियल में कवर करने वाला हूँ, इट शुड नॉट बी एनी डिफरेंट. इट शुड बी वन एंड द सेम थिंग. सो डू नॉट वरी अगर आपके पास रेसबेरी पाई 3B+ अवेलेबल नहीं है. अगर कोई और रेसबेरी पाई है तो भी आप अपने घर से वेब सर्वर होस्ट कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड. तो सबसे पहले ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले, जो लोग ये नहीं जानते कि रेसबेरी पाई क्या है, उनके लिए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. रेसबेरी पाई बेसिकली एक लो कॉस्ट क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर है, जो कि आप किसी मॉनिटर या टीवी पे प्लग इन कर सकते हैं एक नॉर्मल डेस्कटॉप की तरह. जी हाँ गाइज, इसका साइज इतना छोटा है जितना आपका क्रेडिट कार्ड का साइज होता है. इसके साथ आप अपने नॉर्मल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस वगैरह सब कनेक्ट कर सकते हैं. इसको इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं. इसको एक नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हैं. जनरली लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक स्क्रैच और पाइथन लर्न करने के लिए यूज करते हैं, बट यू कैन यूज इट एज यू लाइक, इट डिपेंड्स ऑन हाउ क्रिएटिव you can get. So guys, सबसे पहले Raspberry Pi पे वेब सर्वर सेटअप करने के लिए हमें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो कि अलाउ करे हमें वेब पेजेस इंटरनेट पे होस्ट करने के लिए, जैसे कहते हैं वेब सर्वर. तो Raspberry Pi पे एक वेब सर्वर बनाने के लिए हम यूज करेंगे Apache 2. So Apache 2 बेसिकली एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है. तो वो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे टर्मिनल पे एंड टर्मिनल पे टाइप करेंगे sudo apt-get install Apache 2. उसके बाद हम अपना sudo पासवर्ड डालेंगे एंड sudo पासवर्ड डालने के बाद आप देखेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है. ये जो प्रोसेस है, इट कैन टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम बिकॉज ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है. सो डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड, इट कैन टेक अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम. सो जस्ट वेट जब तक ये Apache 2 इंस्टॉल हो जाता है. तो अब कुछ इस तरह का मैसेज आप देखेंगे जब Apache 2 इंस्टॉल हो चुका है, तो अब अपन वेरीफाई करेंगे कि Apache 2 इंस्टॉल सही से हुआ है या नहीं. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ओपन करना होगा अपना वेब ब्राउज़र जो कि रेसबेरी पाई में है, क्रोमियम. वहाँ क्रोमियम में हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट, मीनिंग जो भी वेब सर्वर हमारे लोकल यानी हमारी मशीन पर होस्टेड है, उस पर जो भी कोई वेब पेज है, वो आप इस तरह से ब्राउज़र में लोकल होस्ट टाइप करके देख सकते हैं. तो जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपको यहाँ पे Apache 2 का एक डिफ़ॉल्ट वेब पेज दिख रहा है. ये वेब पेज ऑटोमेटिकली जब आप Apache 2 इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी अपने आप कॉपी हो जाता है. नाउ ये देखने के लिए कि वेब सर्वर बाहर से भी एक्सेसिबल है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा अपना रेसबेरी पाई का आईपी एड्रेस. तो उसके लिए आप जो ऊपर ये वाईफाई वाला आइकन देख रहे हैं उस पर अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहाँ पे रेसबेरी पाई का इंटरनल आईपी एड्रेस दिखेगा. जैसे कि मेरे केस में है ये 192.168.1.22. सो बेसिकली ये इंटरनल आईपी एड्रेस है विद इन योर नेटवर्क. अब आपके पास अगर कोई सेम नेटवर्क में यानी सेम वाईफाई या सेम राउटर से कोई और पीसी, डेस्कटॉप या लैपटॉप कनेक्टेड है, तो आप उस पर जाकर ये आईपी एड्रेस टाइप कर सकते हैं. अगेन आप कोई सा भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं. तो मेरे केस में मैं अपने डेस्कटॉप पे या आईपी एड्रेस जब डालूंगा तो आप देख सकते हैं ये पेज मुझे अपने लोकल मशीन से भी दिख रहा है. सो गाइस, इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली वेब सर्वर सॉफ्टवेयर अपने रेसबेरी पाई पे इंस्टॉल कर लिया है. तो गाइस, इस ट्यूटोरियल के पर्पस के लिए हम इंस्टॉल करने वाले हैं वर्डप्रेस हमारे रेसबेरी पाई वेब सर्वर के ऊपर. तो जिन लोगों को पता नहीं है कि वर्डप्रेस क्या है, तो वर्डप्रेस बेसिकली एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि PHP और MySQL पे बेस्ड है. ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि अगर आप बिल्कुल कोडिंग नहीं जानते, आपको नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो आप वर्डप्रेस के ज़रिए बिना कोड लिखे एक बहुत अच्छी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले हमें चाहिए होगा PHP. नाउ अगेन, जिन लोगों को ये नहीं पता कि PHP क्या है, तो PHP बेसिकली एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे यूज़ करके आप स्टैटिक या डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं.
तो पीएचपी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली चीज अगेन हमें करनी होगी, हम जाएंगे टर्मिनल पे, टर्मिनल पे टाइप करेंगे sudo apt install lib apache2 -mod php7 lib apache2 -mod php। अगेन sudo पासवर्ड डालने के बाद आप देखेंगे कि php का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगेन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड, तो अगेन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जब PHP इंस्टॉल हो गया है अगेन आप कुछ इस तरह का मैसेज अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। ना अगेन जब हमने PHP इंस्टॉल कर लिया है तो हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा क्या PHP करेक्टली इंस्टॉल हुआ है Raspberry Pi के लिए। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम टाइप करेंगे sudo leafpad, जो कि बेसिकली एक leafpad टेक्स्ट एडिटर खोल देगा Raspberry Pi में कुछ इस तरह से, एंड वहाँ पे एक PHP फाइल बनाएंगे। तो थोड़ा सा कोड लिखेंगे PHP का, जिसमें हम लिखेंगे PHP info ब्रैकेट सेमीकोलन एंड PHP टैग क्लोज। इस फाइल को हमें सेव करना होगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, जो कि आप जब सेव एज पर क्लिक करेंगे अपने फाइल सिस्टम पे जाइए एंड नीचे आपको वेयर फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर एक www फोल्डर होगा और उसमें एक html फोल्डर होगा जिसमें इसे index.php नाम से सेव कर दे। हाँ, ये सेव करने से पहले आपको जो पहले index.html यहाँ पर जो कि Apache 2 की डिफ़ॉल्ट वेब पेज था उसे डिलीट करना होगा। तो मेरे केस में मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे index.php नाम से सेव कर दूँगा। जब ये सेव हो गई है तो अगेन आपको क्या करना होगा, अपने आप क्रोमियम में जाएंगे एंड क्रोमियम में अगेन टाइप करेंगे लोकल होस्ट। ऐसा करने पर आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपका PHP का वर्जन जो इंस्टॉल हुआ है वो और उसकी सारी डिटेल्स आपको इस पेज पर विजिबल हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आपने PHP सक्सेसफुली Apache 2 के ऊपर सेटअप कर लिया है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू इंस्टॉल अ वर्डप्रेस वेबसाइट वुड बी अ डेटाबेस, एंड इन आवर केस हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं MySQL डेटाबेस। तो उसके लिए अगेन हम टर्मिनल पर जाएंगे एंड टाइप करेंगे sudo apt install MySQL server php MySQL। जैसे ही आप टाइप करेंगे अगेन आपसे sudo पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा एंड sudo पासवर्ड एंटर करते ही इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगेन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो गया है अगली चीज हमें जो करनी है वो है डाउनलोडिंग वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले हमें उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, बट वर्डप्रेस डाउनलोड करने से पहले एक बार हम अपैचे 2 को रीस्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे तमिल पे sudo service apache 2 restart। इसके रीस्टार्ट होने के बाद अब हम वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे। तो उसे डाउनलोड करने से पहले हम अपनी डायरेक्टरी चेंज करेंगे, जो कि डायरेक्टरी है हमारी वेब फाइल्स की। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे cd var www html। जैसे ही हम उस डायरेक्टरी में आ गए हैं तो अब हम टाइप करेंगे sudo rm star, जिसका मतलब है यहाँ इस डायरेक्टरी में जो भी अभी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स रिमूव हो जाएंगी। ये रिमूव करने के बाद हम डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस। तो उसके लिए टाइप करेंगे sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगेन मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है डिपेंडिंग आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। तो डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह का मैसेज हमें दिखेगा स्क्रीन पर। तो उसके बाद जो ये टार फाइल हमने डाउनलोड की है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए टाइप करेंगे sudo tar xzf latest.tar.gz। ये टाइप करने के बाद जो वर्डप्रेस डायरेक्टरी जो कि फोल्डर है वर्डप्रेस का, उसमें जो भी डेटा जो भी फाइल्स जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उसे हम करंट डायरेक्टरी यानी कि var www html में कॉपी करेंगे। तो उसके लिए टाइप करेंगे sudo mb wordpress /*space. जैसे ये कॉपी हो गई है उसके बाद हम थोड़े से जो डायरेक्टरी के कंटेंट्स है उसको टाइडी अप करेंगे और जो टार फाइल हमने डाउनलोड करी थी उसे हम रिमूव कर देंगे। तो उसे रिमूव करने के लिए टाइप करेंगे टर्मिनल में sudo rm-rf wordpress latest.tar.gz। तो अब हमारे कंटेंट हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है। तो एक बार इस डायरेक्टरी का कंटेंट देखने के लिए हम टाइप करेंगे ls। तो ls टाइप करते आप देख सकते हैं इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं वर्डप्रेस की वो कॉपी हो चुकी हैं। हम इसका कंटेंट ट्री फॉर्मेट में भी देख सकते हैं और उसके लिए हम टाइप करेंगे tree-l space 1 और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो html डायरेक्टरी है
सा कंटेंट ट्री फॉर्म में, जहाँ पे इसका सारी फाइल्स और सारे फोल्डर्स हम देख सकते हैं। तो जो ब्लू में है यहाँ पे मार्क, सारे फोल्डर्स हैं और बाकी सारी फाइल्स हैं। तो अब आगे का सेटअप करने से पहले जितनी भी ये फाइल्स जो हमने वर्डप्रेस की फाइल्स जो अभी कॉपी करी है, उसकी ओनरशिप हम अपाची का जो यूजर है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो वो ट्रांसफर करने के लिए हम टाइप करेंगे टर्मिनल में sudo chown space hyphen r www-data। तो अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। तो दूसरी चीज़ जो हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए चाहिए वो है एक MySQL डेटाबेस। तो हम MySQL डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए अगेन टर्मिनल पे जाएंगे और टाइप करेंगे sudo MySQL secure installation। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज स्क्रीन पर दिखेगा, जहाँ पे वो आपको अपना करंट रूट पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। अगर आप इसमें कुछ गलत पासवर्ड डालते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ एरर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना करेक्ट पासवर्ड डालेंगे एंड जैसे ही वो हम करेंगे हमसे पूछेगा क्या हम अपना रूट पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। तो अगेन सिक्योरिटी पर्पस के लिए इट इज़ रिकमेंडेड कि अपना रूट पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा मुझे अपना रूट पासवर्ड चेंज करना है, तो मैं टाइप करूँगा वाई एंड देन न्यू पासवर्ड एंटर करूँगा। इसके बाद आपको इस तरह का कुछ सक्सेस मैसेज अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। तो उसके नीचे आपको दिखेगा कि आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपको अपने MariaDB इंस्टॉलेशन में से अनोनिमस यूजर्स रिमूव करने हैं। तो होता क्या है, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट MariaDB इंस्टॉल करते हैं तो कुछ अनोनिमस यूजर्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं। बेसिकली ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही होते हैं एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इनको रिमूव कर दें बिकॉज ये एक सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे दैट वी वॉन्ट टू रिमूव द एनोनिमस यूजर्स, टाइप करेंगे वाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप रूट यूजर्स को सिर्फ लोकल होस्ट के द्वारा ही कनेक्ट करने देंगे, इसका मतलब है कि आप नेटवर्क पे इसको होस्ट नहीं करने देना चाहते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम टाइप करेंगे वाई बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे सर्वर पे कोई अटैक करे। देन अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या आप अपना टेस्ट डेटाबेस यहाँ से हटाना चाहते हैं। अगेन टेस्ट डेटाबेस इज समथिंग जो MariaDB ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं। तो अगेन वी डोंट वांट दैट टेस्ट डेटाबेस, दैट इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो हम उसे भी रिमूव करना चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने प्रीवियस टेबल्स को रीलोड करना चाहेंगे। तो अगेन हम इसको यहाँ पे वाई सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद आप देखेंगे आपको एक सक्सेस मैसेज दिखेगा, जिसका मतलब ये है कि आपने सक्सेसफुली MariaDB इंस्टॉल कर लिया है। नाउ अगेन जैसे कि हमने अपैचे 2 और PHP के केस में किया, हमें वेरीफाई करना होगा क्या हमारा डेटाबेस ठीक से इंस्टॉल हो गया है। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे sudo mysql uroot p। जैसे ही हम ये टाइप करेंगे तो हमसे अगेन पासवर्ड डालने को बोलेगा। तो पासवर्ड अगेन जो आपने रूट पासवर्ड स्टार्टिंग में सेट किया था वही है। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे आपको दिखेगा एक मैसेज जो कि कहता है वेलकम टू MariaDB मॉनिटर, इसका मतलब हमने डेटाबेस करेक्टली सेटअप कर लिया है। तो अब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने के लिए दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो हमें एक वर्डप्रेस के लिए डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो वर्डप्रेस के लिए डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम सिंपल सी लाइन यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस वर्डप्रेस एंड देन सेमीकोलन। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपको एक मैसेज दिखेगा क्वेरी ओके वन रो इफेक्टेड, जिसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है वर्डप्रेस नाम से। और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम प्रेस करेंगे Ctrl+C जिससे हम MariaDB से बाहर आ जाएंगे। तो गाइस फाइनली अब हमारा वर्डप्रेस सेटअप होने के लिए तैयार है। तो अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हम अगेन जाएंगे अपने क्रोमियम पे और टाइप करेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करते ही आप देखेंगे ये वर्डप्रेस का सेटअप पेज हमें दिखेगा, जहाँ पे आपके पास लैंग्वेज ऑप्शंस है। तो अभी हम इंग्लिश सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगी जो आपको प्रोवाइड करनी है इससे अगले पेज पे। तो आप इस पेज को जल्दी से गो थ्रू करके लेट्स गो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अब आपको प्रोवाइड करना है अपना डेटाबेस नेम। तो आपको जैसे याद होगा जब हम MySQL सेटअप कर रहे थे तो हमने डेटाबेस बनाया था वर्डप्रेस नाम से, तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम हम वर्डप्रेस ही रहने देंगे। यूजर नेम में हमें अपना डेटाबेस का यूजर नेम डालना है जो कि हमारे केस में है रूट, और पासवर्ड जो रूट पासवर्ड हमने सेट किया था MySQL डेटाबेस सेटअप करते वक्त वो हमें प्रोवाइड करना है। डेटाबेस होस्ट यहाँ पे लोकल होस्ट ही रहेगा और टेबल प्रीफिक्स WP_। अगले पेज पे आप देखेंगे कि अब वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो सकता है। तो हम क्लिक करेंगे रन द इंस्टॉलेशन बटन। अगली स्क्रीन पर आपसे कुछ वेबसाइट की डिटेल्स वर्डप्रेस मांगेगा, जैसे कि साइट टाइटल,
तो मेरे केस में मेरे पास एक ऑलरेडी डोमेन है utkexperiments.com, तो वही डोमेन नेम मैं यहाँ पे डाल दूंगा। साइट में एडमिन एक्सेस करने के लिए आप एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, तो जल्दी से हम यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस सेटअप कर देते हैं। इसके बाद अब हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस बटन। तो अगेन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने पे, और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको ये मैसेज दिखेगा सक्सेस, जिसका मतलब है हमने वर्डप्रेस सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है। तो लेट्स लॉग इन इनटू वर्डप्रेस। तो आपने जो यूज़र नेम अभी क्रिएट किया था उस यूज़र नेम से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉगिन करते ही आपको अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखेगा। ये डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि कौन से पेज आपको दिखाने हैं वेबसाइट पे, कुछ ब्लॉग पोस्ट ऐड करनी है, कुछ प्लगइन्स चेंज करने हैं, थीम्स चेंज करनी है, वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसी लग रही है हमारी वेबसाइट। तो उसके लिए हम जाएंगे नए टैब पे और टाइप करेंगे लोकल होस्ट। तो कुछ इस तरह से दिख रही है वेबसाइट। अब आप अगर वेरीफाई करना चाहें इस वेबसाइट को अपने नेटवर्क पे किसी दूसरी पीसी या लैपटॉप पे, तो वो कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं अपने डेस्कटॉप पे ओपन करूँगा क्रोम, एंड क्रोम में रेस्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस डालूंगा जो कि है 192.168.1.22। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से वेबसाइट दिख रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे फॉर्मेटिंग इशूज़ हैं। तो ये फॉर्मेटिंग इश्यूज ठीक करने के लिए अगर हम अपने वेबसाइट के एंड पैनल में वापस से लॉगिन करें एंड सेटिंग्स में जनरल टैब पे जाके देखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्डप्रेस यूआरएल है और साइट एड्रेस यूआरएल है वो दिया हुआ है एचटीटीपी लोकल होस्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जब हम इसको आईपी एड्रेस से एक्सेस कर रहे हैं तो इस तरह के फॉर्मेटिंग इश्यूज हमें दिख रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, बस हम यहाँ पे जो वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल है और साइट एड्रेस यूआरएल है उसको चेंज कर देंगे रेस्पबेरी पाई के आईपी एड्रेस से एंड सेव कर देंगे। एंड जैसे ही हम सेव करेंगे और अपने डेस्कटॉप पे रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो ये फॉर्मेटिंग इश्यूज चलेंगे। तो ये वर्डप्रेस में होता है ऐसा कि आपका जो साइट यूआरएल और वर्डप्रेस यूआरएल जो आपका है उससे अगर आप एक्सेस नहीं करते हैं साइट को, तो इस तरह के फॉर्मेटिंग इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, जब हमने अब ये फॉर्मेटिंग इश्यूज सॉल्व कर लिए हैं, तो अगली चीज़ हम जो करेंगे वो है वेबसाइट को थोड़ा सा अच्छा बनाना। तो उसके लिए हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस की थीम। वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा अपने एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे लॉगिन करने के बाद आप अपीयरेंस टैब में जाके थीम सेलेक्ट कीजिए। जब आप ऐड थीम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जो कि थीम्स आप चूज कर सकते हैं वर्डप्रेस मार्केटप्लेस से। इसमें से कुछ पेड हैं, कुछ फ्री भी हैं, तो आप देख सकते हैं कौन सी थीम आपको अच्छी लगती है। फॉर द सेक ऑफ द सिंपलिसिटी हम कोई सी भी एक थीम अच्छी सी सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इंस्टॉल हो सकती है। ये वाली थीम अच्छी लग रही है तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे एंड देन प्रीव्यू पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी ये जब थीम हमारे इंस्टॉल हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से दिखेगी ये वेबसाइट। ये इंस्टॉल हो चुकी है, इसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ एक्टिवेट बटन पर क्लिक करेंगे एंड देयर यू गो, आई थिंक इंस्टॉल हो गई है। तो अब हम दूसरे टैब पर जाके अगेन अपना आईपी एड्रेस टाइप करेंगे देखने के लिए कि वेबसाइट किस तरह से दिख रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रही है वेबसाइट आफ्टर चेंजिंग अ थीम। इसे अब हम अपने डेस्कटॉप पर भी देख लेंगे आईपी एड्रेस टाइप पे टाइप करके कि फॉर्मेटिंग इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे भी ये अच्छी दिख रही है। तो गाइस, अगली चीज जो हमें चाहिए वेबसाइट को इंटरनेट पे एक्सेस करने के लिए वो है एक डोमेन नेम। तो डोमेन नेम के लिए आप दो तरह के डोमेन नेम देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप हाई लेवल डोमेन नेम यानी .com, .in, .org, .co.in etc. इस तरह के डोमेन नेम्स अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारे डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स अवेलेबल हैं, जैसे कि GoDaddy, HostGator, BigRock etc. तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके ये डोमेन परचेज कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये डोमेन नेम सस्ते ही पड़ जाएंगे, अराउंड 500 से 600 रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से रजिस्ट्रार को चूज़ करते हैं। बट अगर आप ये फीस भी पे नहीं करना चाहते और आप फ्री डोमेन चाहते हैं, तो ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री डोमेन भी प्रोवाइड करती हैं। फॉर द सेक ऑफ द सिंपलिसिटी मैं आपको एक वेबसाइट बता सकता हूँ .tk, जो कि आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और यहाँ पे जाके आप अपना एक फ्री डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं।
मेरे केस में गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास ऑलरेडी एक परचेज डोमेन पड़ा हुआ है utkexperiments.com, तो हम उसी को यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो गाइस, जब आपने डोमेन नेम ले लिया है तो हमें अगली चीज़ जो करनी होगी वो है उस डोमेन नेम को अपने रेसबेरी पाई के आईपी एड्रेस से मैप करना। बट उससे भी पहले वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी नेसेसरी पोर्ट्स हैं वो फॉरवर्डेड हैं कि नहीं। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग इज समथिंग विच आई एम नॉट कवरिंग एट एज पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस टू डू योर ओन रिसर्च एंड सी कि किस तरह से पोर्ट फॉरवर्डिंग की जा सकती है। मैं इतना सा आपको बता देता हूँ कि Apache 2 जो कि वेब सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया था रेसबेरी पाई में, वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे होस्टेड होता है, एंड हमें रेसबेरी पाई के आईपी एड्रेस पे पोर्ट 80 को फॉरवर्ड करना होगा अपने राउटर में। तो गाइस, अगेन जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस ट्यूटोरियल में इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो कि आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में बताएंगे। हालांकि अगर आप स्टिल चाहते हैं कि पोर्ट फॉरवर्डिंग को मैं कवर करूं, तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड उस पे मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। बट फॉर नाउ आई ऑलरेडी हैव माय पोर्ट फॉरवर्डेड ऑन माय राउटर, तो ये पार्ट मैं भी स्किप कर रहा हूँ। तो अगली चीज़, जैसा कि मैंने बताया, हमें चाहिए होगा एक डोमेन नेम सर्वर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका आईपी एड्रेस स्टैटिक है या डायनेमिक। नाउ अगेन, दिस इज समथिंग जो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने आईएसपी से देखना पड़ेगा कि कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपको डायनेमिक आईपी दे रहा है, क्या वो आपको स्टैटिक आईपी दे रहा है। स्टैटिक आईपी बेसिकली आपका हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, तो आप जब भी इंटरनेट पे गूगल पे जाएंगे एंड टाइप करेंगे व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, तो आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस आपका क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डायनेमिक ही होता है, अनटिल एंड अनलेस आप अलग से रिक्वेस्ट करके अपनी आईएसपी से एक स्टैटिक आईपी लें। तो डायनेमिक आईपी के केस में होता क्या है कि जब भी आपका राउटर रीस्टार्ट होता है या हर थोड़ी देर बाद वो आईपी एड्रेस आपका चेंज हो जाता है, तो उस केस में हमें एक डायनेमिक डोमेन नेम सर्विस चाहिए होगी, जिससे कि हम हमेशा ये मेक श्योर कर सकें जो भी हमारा आईपी एड्रेस करंटली है वो जो हमारा डोमेन नेम है उससे करंटली मैप रहे। तो एक डायनेमिक डोमेन नेम सर्वर के लिए आप अगेन बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं आपको एक प्रोवाइडर का नाम बता देता हूं, जिसका नाम है DYNU। आप इनकी वेबसाइट dynu.com पर एक्सेस कर सकते हैं, और यहां पे आपको अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं आपको जल्दी से लॉग इन करके दिखा देता हूं। अकाउंट बनाने के स्टेप काफ़ी सिंपल हैं गाइस, तो अगेन मैं उसको इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं कर रहा हूं। तो गाइस, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करके आपके कंट्रोल पैनल में आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे DDNS सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आप अपने DDNS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक क्लाइंट भी डाउनलोड करना पड़ेगा रेसबेरी पाई पे, बट अगेन थोड़ा सा रिसर्च कीजिए उसके बारे में इंटरनेट पे, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है या अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं कवर करूं, तो जस्ट लेट मी नो एंड मैं इसके लिए एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा। अभी हाल फिलहाल मेरे पास स्टैटिक आईपी ऑलरेडी है। अगर आप भी अपने घर पे स्टैटिक आईपी लगाना चाहते हैं, तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं। जनरली वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेके समवॉट लाइक 100 rupees और समथिंग लेके आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर देंगे। तो मेरे केस में भी मेरे पास स्टैटिक आईपी है, तो इसलिए मैं DYNU अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसकी जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लाउड फ्लेयर, जो कि अगेन बहुत अच्छी DNS सर्विस है, जो कि फ्री DNS सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लाउड फ्लेयर पे भी आपको एक अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, बट क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जब आप अपना DNS रिकॉर्ड सेटअप कर देंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह के नेम सर्वर्स जो भी आपका DNS प्रोवाइडर होगा वो आपको देगा। तो आपको बस इन नेम सर्वर्स को कॉपी करना है एंड अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल पर जाना है, जो कि आपका जो डोमेन प्रोवाइडर है, जैसे मेरे केस में GoDaddy है, आपके केस में .tk या कोई और हो सकता है, तो वहाँ पे जाके आपको इन नेम सर्वर्स को पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अपने GoDaddy कंट्रोल पैनल में लॉगिन करके, और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नेम सर्वर्स की एंट्री कर दी है। वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, ऑल यू हैव टू डू इज कम बैक टू योर वेबसाइट एंड गो टू द एडमिन पैनल ऑफ वर्डप्रेस। यहाँ पे आप सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे अपना वर्डप्रेस यूआरएल और साइट एड्रेस यूआरएल को चेंज कर दें, जो कि मेरे केस में मैं चेंज करूंगा इसे utkexperiments.com से, और इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। एंड वंस दिस इज डन, आवर वेबसाइट इज लाइव एंड इज ऑन इंटरनेट, जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप से लॉग इन करके। अगर मैं टाइप करूँ utkexperiments.com, तो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट सक्सेसफुली इंटरनेट पे होस्ट हो चुकी है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, इट इज वेरी इजी टू होस्ट योर ओन वेब सर्वर फ्रॉम योर होम। नाउ
यू कैन बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल. मैंने इस ट्यूटोरियल में बहुत सारे स्टेप्स कवर नहीं किए, जैसे कि हमने बात करी थी पोर्ट फॉरवर्डिंग की एंड ऑल दैट, सो वो मैंने इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं किया है. आई वॉन्ट यू गाइज टू गो हैड गूगल इट, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं इन चीज़ों से रिलेटेड. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू डू योर ओन रिसर्च, बिकॉज इफ़ यू डोंट डू द रिसर्च यू नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग. सो गाइज, यू कैन गेट एज मच क्रिएटिव एज यू वॉन्ट टू एंड यू कैन मेक अ वेरी गुड वेबसाइट ऑन योर रेस्पबेरी पाई एंड होस्ट इट फ्रॉम योर होम. अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके कुछ अच्छी वेबसाइट बना पाते हैं और उसको होस्ट कर पाते हैं, तो डू लेट मी नो द लिंक इन द कमेंट बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी एंड गिव माय फीडबैक इफ यू वांट मी टू. सो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन बिलो सो दैट आपको आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. ऑलराइट गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही. अंटिल वी मीट अगेन, इट्स गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार.